नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट शोक चौधरी। भाई आज एक नए टॉपिक पे बात करने वाले हैं, और आप भी हो सकता है इसी तरह के जॉब की तलाश में रहते हो, ठीक है, जो आपको अच्छी सैलरी मिल जाए, अच्छा जॉब मिल जाए, तुरंत में काम हो जाए, कम पैसों में काम हो जाए, ठीक है। इसी तरह की आप भी शायद हर इंसान कोशिश में रहता है कि अपने को बस अच्छा पैसा मिल जाए, ठीक है, जिसमें अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा। तो इसी तरह की जॉब मलेशिया से रिलेटेड एक वैकेंसी आई हुई है, मुझे किसी ने फॉरवर्ड किया है, मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूं, ताकि हो सकता है आपने भी इस तरह की कई वैकेंसी में अप्लाई किया होगा या अप्लाई करने की सोच रहे हैं। ये मलेशिया से रिलेटेड जॉब है, ठीक है, और जॉब भी इतना भयंकर और तूफानी है कि आप सोच नहीं सकते। दुबई मलेशिया का सबसे बड़ा प्रसिद्ध, जैसे अपने इंडिया में रिलायंस फ्रेंड्स होता है ना, जैसे हर पूरी इंडिया में है ये, तो एन एस के वहां का एक, ये बोल दीजिए, NSK शॉपिंग मॉल है, ठीक है, इसमें वैकेंसीज आई हुई हैं। अर्जेंट रिक्वायर फॉर मलेशिया कंपनी NSK शॉपिंग मॉल CV सिलेक्शन, बहुत ही बेनिफिट है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो भाई तुरंत अप्लाई कर लीजिए, हो सकता है ये ऑफर लेटर आपके साथ भी आया होगा, मैं स्क्रीनशॉट पे डाल दूंगा। इसमें वैकेंसी की बात कर लूं मैं, स्टोर कीपर मांगे हैं 8 आदमी, टोटल इसको 8 की जरूरत है। सैलरी है 3200 रिंगिट, मलेशियन रिंगिट, ठीक है साथियों। सेकंड जॉब इसमें है सिक्योरिटी गार्ड, गार्ड इसमें मांगे हैं 1500, 2900 रिंगिट सैलरी मलेशिया में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब है, ठीक है। तो मोटा मोटी मान लीजिए कि सीधी सीधी बात करें तो 60-65 हजार रुपये सिक्योरिटी स्टोर कीपर की है, सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी है 50-55 हजार रुपये आपको मिल जाएगी। इलेक्ट्रिशियन मांगे इसमें 10, 10 इलेक्ट्रिशियन इसमें मांगे, इसमें सैलरी है 2500 रिंगिट, ठीक है, यानी ये समथिंग मान लीजिए 45 हजार के करीब होता है, 17-18 का भाव चल रहा है, ठीक है। ऑफिस बॉय मांगे इसमें 12, 2200 रिंगिट है ऑफिस बॉय की सैलरी, यानी मान लीजिए 40 हजार रुपये, ठीक है साथियों। क्लीनर मांगे इसमें 18, जो साफ सफाई वाले क्लीनर होते हैं ना, वो 18 आदमी इसमें मांगे हैं, 2000 रिंगिट सैलरी है इसमें, यानी 35-40 हजार रुपये साफ सफाई करने वाले की पगार इसमें रहेगी। पैकिंग हेल्पर मांगे हैं इसमें 30, जो पैकिंग का सामान पैक करते हैं उसकी उनकी सैलरी है 2100 रिंगिट आरएम, ठीक है साथियों, यानी 40 हजार रुपये आप सैलरी मान के चल सकते हैं। हेल्पर की जॉब है, 40 हेल्पर इसमें मांगे हैं, जो एक्स्ट्रा में जो काम होता है हेल्पिंग का उसमें है 1900 रिंगिट इसमें सैलरी बताई गई, यानी 7 क्वांटिटी है, 7 क्वालिटी के जॉब हैं, और 8, 15, 10, 12, 18, 30 और 40, ये इसमें जॉब हैं अलग अलग कैटेगरी के। सैलरी भी बहुत अच्छी है, मैंने इतनी सैलरी दुबई में मलेशिया में सुनी नहीं है कि भाई मॉल में इतनी सैलरी मिल जाती है। टर्म्स एंड कंडीशन आप सुन लीजिए, 9 घंटे आपको ओनली फॉर ड्यूटी करनी है, 6 घंटे एक वीक आपको आफ्टर 1 ओवर टाइम आपको मिल जाएगा, यानी 6 दिन में 1 दिन आपका छुट्टी का रहेगा, ठीक है साथियों। 2 साल का आपका रिन्यूएबल कॉन्ट्रैक्ट है 2 साल के बाद में, ठीक है। फूड प्रोवाइड बाय कंपनी, मलेशिया में पहली बार सुना है कि फूड कंपनी आपको दे रही है, ये बात नोट करने की है। मेडिकल अकोमोडेशन बाय कंपनी, मेडिकल वगैरह सब आपको कंपनी देगी। अदर बेनिफिट मलेशिया लेबर लॉ, अब मुझे नहीं लगता कि मलेशिया में कोई लेबरों के लिए कोई लेबर लॉ बना है, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी ये कंडीशन इसमें दी गई है। अब आपको ये बात सोचनी है कि इसमें कितनी सच्चाई है, क्योंकि आप भी ऐसी जॉब चाहते हो, हर इंसान की जरूरत होती है ऐसी जॉब मिल जाए बस। अब मैं बता दूं, स्टोर कीपर भाई आपको इंडियन अनुभव है, कौन दे देगा 3200 रिंगिट। अब सोचने की बात है यार, थोड़ा बहुत जो आदमी अप्लाई करता है वो भी सोच लो कि जो जिसको पता नहीं कि स्टोर में बैठना किस तरह से होता है, उनको जाते हैं वहां पे 3200 रिंगिट सैलरी मिल जाएगी, सोचने की बात है। सिक्योरिटी गार्ड, मलेशिया में जो लोग रहते हैं या मलेशिया वापस आए, उनको पता है कि मलेशिया में सिक्योरिटी गार्ड मात्र और मात्र 1200, 1300, 1500 से ऊपर सिक्योरिटी गार्ड की सैलरी नहीं है, और जबकि हकीकत है कि इंडियन आदमी को सिक्योरिटी गार्ड का जॉब भी नहीं मिलता, वो इलीगल तरीके से दूसरे वीजा में जाके दूसरा काम कर लेते हैं, वो एक अलग इश्यू होता है, बाकी डायरेक्टली ऐसा कोई जॉब इंडियन लोगों के लिए नहीं है। इलेक्ट्रिशियन 2500 रिंगिट, ठीक है, इसमें हो सकता है, लेकिन भाई बता दूं 9 घंटे ड्यूटी में इतनी तनख्वाह मलेशिया में कहीं नहीं है, 60 रिंगिट, 65 रिंगिट हद से हद मिलता है, तो हो गए 1800, ठीक है। उसके बाद 4 घंटे आप ओवर टाइम करोगे, संडे करोगे, तब जाके ये सैलरी मिलती है, जिसमें इसमें दिखाया गया है कि सिर्फ 9 घंटे की ये सैलरी है। अगर आप 12 घंटे करोगे तो भाई सैलरी बहुत ज्यादा जाती है यार, 70-80 हजार रुपये मलेशिया में, अफसोस पहली बार सुना है मैंने ऐसा। ऑफिस बॉय की सैलरी 2200 रिंगिट, अफसोस। आप सोचिए, आपको भी जो मलेशिया में रहने उनको पता है कितनी तनख्वाह मिलती है, 1200-1300 से ऊपर सैलरी नहीं है ऑफिस बॉय की,
ठीक है। क्लीनर की देख लीजिए 2000 रिंगिट, क्लीनर पैकिंग हेल्पर 2100 रिंगिट, 8 घंटे की कौन देता है यार, 60 रिंगिट 1800 रुपये बनते हैं, 2100, इतनी तनख्वाह कौन देगा। हेल्पर की देख लीजिए 1900 रिंगिट, यानी ये जो ऑफर लेटर मैं साइड में डालूंगा 100% फेक है, ठीक है। और ये एनएस के मलेशिया, अब लोग क्या होते हैं, बावले बन जाते हैं, समझ रहे हो, हमारे राजस्थानी में बावले बोलते हैं बेवकूफ इंसान को। वो करते क्या है कि एनएस के नेट पे सर्च करते हो, और यार एनएस के शो कर रहा है, एनएस के इसका मतलब जॉब है। लोग भी इतना बेवकूफ बना देते हैं कि उनको पता है कि लोग नेट पे सर्च करेंगे एनएस के, बहुत बड़ा वहां का ग्रुप है भाई। ऐसी तनख्वाह, ऐसी सैलरी नहीं मिलती, बेवकूफ लोगों को बनाने के लिए कोई अलग से नहीं पैदा होते, वो बीच में बैठे होते हैं वही बेवकूफ बना देते हैं। ये मेरा डालने का मतलब ये, मुझे किसी भाई ने भेजा, बोला सर मैं इसमें अप्लाई कर रहा हूँ, प्लीज मुझे चेक करें। अगले ने मुझे 500 रुपये फीस दी, मैंने चेक करके उसको बताया, बच गया। सच्चाई है कि बच गया। जो मलेशिया जाके आ चुके हैं वो वीडियो अगर देखते हैं तो वो, उनको सबको पता होता है कि मलेशिया में क्या है क्या नहीं है। तो भाई इतनी तनख्वाह नहीं मिलती, और भी मैं ऑफर लेटर मेरे पास आ रहे हैं जिन्होंने मुझे फीस दी, जिनका मैंने चेक किया, और भी ऑफर लेटर में वीडियो बनाऊंगा, आप भी देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, और इस सिस्टम से थोड़ा सा बच लें भाई, आपके लिए फायदा रहेगा, ठीक है साथियों। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करने के साथ चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हर रोज भी इसी टॉपिक पे वीडियो आते रहें। जय हिंद, वंदे मातरम।